पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हवन यज्ञ। देश में कोरोना जैसी महामारी और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। मीडिया से बात करते हुए बच्चू सिंह ने बताया कि आज हमारे देश में पर्यावरण इतना जहरीला हो चुका है जिसके कारण आज ऑक्सीजन लेवल गिर गया है। अगर हम ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द पर्यावरण में से ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा। इसी के शुद्धिकरण के लिए आज समस्त कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बच्चू सिंह, महानगर संयोजक बजरंग दल विकास दीक्षित, सह संयोजक मोहित नौहवार, वृंदावन नगर के संयोजक विमल पंडित आदि मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जिला मथुरा। आज ये जो हवन किया गया है वो किस उपलक्ष्य में और कैसे किया गया है, इस पर प्रकाश है। ये संघ परिवार के आह्वान पर सभी जगह पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये हवन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मथुरा जिला, विश्व हिंदू परिषद, महानगर, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये किया गया है। और इसमें पूज्य हमारे संत रामदास जी महाराज जी के नेतृत्व में हवन कराया गया है, जिससे पूरा पर्यावरण वायु शुद्ध होगा। और ये हवन सभी जगह, सभी कार्यकर्ता के आह्वान पर जगह जगह, अपनी जगह जगह हो रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगभग कुल कितने परिवारों में ये भजन आज करवाया गया? ये जिले के अंदर कम से कम 10,000 परिवारों में ये हवन का कार्यक्रम हो रहा है। ये हवन आगे भी चलते रहेंगे या केवल आज ही के दिन? इस समय की परिस्थिति को देखते हुए हमारे पूर्वज पहले भी हवन रोज प्रतिदिन करते रहते थे। अब ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर सब लोग हवन करेंगे वायु वातावरण शुद्ध होगा, और वातावरण शुद्ध होने से कोरोना भी मारा जाएगा।